हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कक्षा यूकेजी के पाठ नंबर 8। पाठ का नाम है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है? इस प्रकार से घुमा हुआ। तो इन मात्राओं को किस प्रकार से शब्दों में प्रयोग करते हैं? अगर का हो, का में किस प्रकार अगर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा? वो की, बड़ी ई की मात्रा की। तो पहले हमने सीखा छोटी ई की मात्रा के बारे में। छोटी ई की मात्रा को कहां लगाते हैं? कोई भी वर्ण से पहले। लेकिन बड़ी ई की मात्रा को हम कहां लगाएंगे? कोई भी वर्ण से बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी ई की मात्रा। पढ़ो और समझो। पहला है क हलन बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? की। हलंत, हलंत किसे कहा जाता है? पहले व पिछले वाले पार्ट में भी मैंने बता दिया था, हलंत यानी जो स्वर वर्ण के नीचे थोड़ा सा यानी छोटा सा लाइन जो खींचा जाता है उसे ही कहा जाता है क्या? हलंत। दूसरा है त हलन बड़ी ई की मात्रा ती। ल हलन बड़ी ई की मात्रा ली। च हलन बड़ी ई की मात्रा ची। न हलन बड़ी ई की मात्रा नी। सा हलन बड़ी ई की मात्रा सी। टा हलंत बड़ी ई की मात्रा टी। भ हलंत बड़ी ई की मात्रा भी। ह हलंत बड़ी ई की मात्रा ही। इस प्रकार से हम किसी भी वर्ण के बाद बड़ी ई को मात्रा को लगाकर बड़ी ई की तरह ही उच्चारण करने के प्रयास करते हैं, यानी उच्चारण कर सकते हैं। अब सीखते हैं कुछ शब्दों में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। देखो और पढ़ो। पहला है र हलंत बड़ी ई की मात्रा ल क्या हुआ? रील। रील का अर्थ है जो चित्र में दिखाई दे रहा है। आजकल तो इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आप लोग अगर अपने मम्मी पापा या माँ पिताजी को पूछे कि ये रील मतलब क्या है तो वह बेहतर जानते हैं। रील में बता देता हूँ क्या है। रील का अर्थ है जो पुराने समयों में फोटो खींचने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, और साथ ही साथ वीडियो बनाने में भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा है ख हलन बड़ी ई की मात्रा र हलन आ की मात्रा क्या हुआ? खीरा। खीरा का अर्थ है जो एक सब्जी के तरह ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सब्जी खाते हैं इसका खीरा, यानी अंग्रेजी में क्या? कुकुम्बर। उसके बाद आता है म छ ल हलन बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? मछली। मछली तो सभी जानते ही हैं, मछली कहाँ रहती है? पानी में, और हम उसका सब्जी बनाकर खाते हैं। उसके बाद है ई मो ल हलंत बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? इमली। इमली भी जानते हैं जो खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली जो खाने में खट्टा होता है। उसके बाद है द हलन बड़ी ई की मात्रा प क क्या हुआ? दीपक। दीपक यानी क्या? इस प्रकार का एक उजाला जो जिसे लोग क्या जिसमें क्या करते हैं, दीपक में लोग या तो घी डालते हैं या कोई भी तेल डालकर इसे जलाकर चारों तरफ रोशनी फैलाते हैं। खास करके हम इसको दीपावली के समय में ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है त र क हलंत आ की मात्रा र बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? तरकारी। तरकारी यानी क्या? विभिन्न सब्जियां जो होती है उन्हें कहा जाता है तरकारी, जैसे भिंडी, गाजर, मूली, टमाटर, ये सभी तरकारी के अंदर ही आते हैं। ये सभी क्या है? तरकारी है। चलिए अब हम कुछ
बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होने वाले शब्दों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी जानने के लिए प्रयास करेंगे। पढ़ो और समझो। पहला शब्द है धा, बड़ी ई की मात्रा र। क्या है? धीर। धीर यानी क्या? जो शांत होता है उसे कहा जाता है धीर। दूसरा है व, बड़ी ई की मात्रा र। क्या हुआ? वीर। वीर यानी कौन? वीर यानी जो साहसी होते हैं उन्हें कहा जाता है। साहसी काम कौन करता है? जैसे हमारे देश के सीमाओं पे तैनात जो फौजी है, सेना है, वो उन्हें कहा जाता है वीर। उसके बाद ना, बड़ी ई की मात्रा र। क्या हुआ? नीर। नीर यानी क्या? पानी। पानी को नीर भी कहा जाता है। उसके बाद ता, बड़ी ई की मात्रा र। तीर। तीर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? धनुष में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है झ, बड़ी ई की मात्रा ल। झील। झील यानी जो तालाब, उसे कहा जाता है झील। बड़ा सा झील जो जिसमें पानी हो लेकिन पानी कहीं से पर भी जा ना सके, नदी की तरह ना हो, एक जगह पर जमा जहां पर हो उसे कहा जाता है झील। उसके बाद च, बड़ी ई की मात्रा ल। चील। चील यानी क्या? एक चिड़िया। ह, बड़ी ई की मात्रा र। आ की मात्रा हीरा। हीरा क्या है? बहुत ही कीमती एक पत्थर है या पदार्थ है जो कोयलों के बीच में यानी कोयला के बीच में पाया जाता है। उसके बाद है म, बड़ी ई की मात्रा र। आ की मात्रा मीरा। मीरा का अर्थ है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, और साथ में मीरा किसी लड़की को नाम देने पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और मीरा पौराणिक समय यानी पुराने जमाने में एक कवि हुआ करती थी। मीरा एक कवि भी है जो कविताएं लिखती है। अब आते हैं ज, बड़ी ई की मात्रा र। आ की मात्रा क्या हुआ? जीरा। जीरा एक मसाला है जिसे लोग सब्जियों में डालकर खाते हैं। उसके बाद है ख, बड़ी ई की मात्रा र। आ की मात्रा खीरा। खीरा का अर्थ है एक क्या? सब्जी, जिसे लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। उसके बाद स, बड़ी ई की मात्रा ल। आ की मात्रा सिला। सिला यानी क्या है? जो पुराने जमाने में जितने भी खंडर है उनके अंदर जो चित्रकारी हुआ है, चित्र बनाए गए, उन्हें कहा जाता है सिला। उसके बाद प, बड़ी ई की मात्रा ल। आ की मात्रा क्या हुआ? पीला। पीला क्या है? एक रंग है। उसके बाद आते हैं र। आ की मात्रा न, बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? रानी। रानी कौन होती है? राजा की पत्नी। न, आ की मात्रा न, आ, बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? नानी। नानी यानी कौन? माँ की माँ। प, आ की मात्रा न, बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? पानी। पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है सभी जानते हैं। पानी का इस्तेमाल पीने में, कपड़े धोने में, नहाने में, इन सभी कार्यों में हम क्या करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं। द, आ की मात्रा न, बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? दानी। दानी कौन होता है? दानी जो लोगों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, जिसको प्रयोजन है, जिसको जरूरत है, जो लोग देते हैं उन्हीं आदमी को कहा जाता है या उन्हीं लोगों को कहा जाता है दानी। उसके बाद आता है थ, आ की मात्रा ल, बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? थाली। थाली क्या है? जिस पर लोग खाना खाते हैं। उसके बाद है म, आ की मात्रा ल, बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? माली। माली कौन है? जो बगीचों में फूल लगाने का काम करता है। स, बड़ी ई की मात्रा ट, बड़ी ई की मात्रा सीटी। सीटी क्या है? जब हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिता होता है तब क्या होता है? लोग जो लड़का या लड़की जो दौड़ने से पहले जो सीटी बजाया जाता है उसी को कहा जाता है सीटी। द, बड़ी ई की मात्रा द, बड़ी ई की मात्रा दीदी। दीदी यानी कौन? दीदी का अर्थ है जो अपने से बड़ी जो बेटी होती है या घर में जो लड़की है अपने से बड़ी, उन्हें कहा जाता है क्या? दीदी। त, बड़ी ई की मात्रा ल, बड़ी ई की मात्रा तीली। तीली क्या है? जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है उसे कहा जाता है तीली। तीली और एक चीज को भी कहा जाता है, वो क्या है? जो माचिस का तीली, जो मैच बॉक्स में छोटा सा तीली होता है उसे भी कहा जाता है तीली। उसके बाद है न, बड़े ई की मात्रा ल, बड़े ई की मात्रा क्या हुआ? नीली। नीली यानी एक रंग, ठीक है, नीला रंग, उसे नीली भी कहा जाता है। क, बड़ी ई की मात्रा ल, बड़े ई की मात्रा किली। किली का कोई अर्थ है नहीं लेकिन यहाँ पर आप लोग बोल सको या पढ़ सको, पढ़ने का अभ्यास हो इसलिए दिया गया है।
उसके बाद ग बड़े ई की मात्रा, ल बड़े ई की मात्रा, क्या हुआ? गीली, गीली यानी क्या? भीगा हुआ, हमारे कपड़े भीगे हो, भीग जाते हैं, उन्हें कहा जाता है गीली। स र क आ की मात्रा, र बड़े ई की मात्रा, क्या हुआ? सरकारी, सरकार से जुड़े हुए जितने भी चीजें होते हैं वो होते हैं सरकारी, जैसे सरकारी बसें, सरकारी नौकरी, ये सब है क्या? सरकारी। त र क आ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा, क्या हुआ? तरकारी, तरकारी यानी क्या था? सब्जियां, अनेक प्रकार की सब्जियां, भिंडी, आलू, टमाटर, गाजर, मूली, ये सब। उसके बाद द बड़ी ई की मात्रा, प आ की मात्रा, व ल बड़ी ई की मात्रा, क्या हुआ? दीपावली, दीपावली में लोग क्या क्या करते हैं? दीपावली में लोग दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। उसके बाद आते हैं न आ की मात्रा, स प त बड़ी ई की मात्रा, क्या हुआ? नाशपति, नाशपति यानी क्या है? एक फल जिसमें ढेर सारा रस होता है, मीठा रस। भ आ की मात्रा, ग बड़ी ई की मात्रा, र थ बड़ी ई की मात्रा, क्या हुआ? भागीरथी, भागीरथी यानी एक नदी का नाम है, एक नदी है जो भारत में ही स्थित है। उसके बाद प बड़ी ई की मात्रा, ल बड़ी ई की मात्रा, भ बड़ी ई की मात्रा, त क्या हुआ? पीलीभीत, पीलीभीत माने क्या है? पीलीभीत का अर्थ है पीला रंग का जो वाल, उसे कहा जाता है पीलीभीत। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस चित्र को देखते हुए चित्र में क्या क्या हो रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में पढ़ते हैं। पहला वाक्य क्या है? दिवाली का दिन था। किसका दिन था? दिवाली का। दिवाली में क्या क्या करते हैं उसे आप जानते हैं। सीमा की बड़ी दीदी घर आई थी। किसकी बड़ी दीदी? सीमा की बड़ी दीदी। दीदी पीली साड़ी पहनकर आई थी। दीदी कैसी साड़ी पहनकर आई थी? पीली साड़ी। दीदी दीपक जला रही है। दीदी क्या जला रही है? ढेर सारी दीपक जला रही है। किसके लिए? दीपावली के लिए। माताजी मिठाई और नमकीन लाई। माताजी क्या लाई? मिठाई लाई। सीमा खीरा पपीता लीची व ककड़ी लाई। सीमा क्या लाई? खीरा पपीता लीची और ककड़ी लाई। सीमा पटाखा दाग रही है। चित्र में क्या हो रहा है? सीमा बोलकर जो लड़की है वो पटाखे दाग रही है, यानी पटाखे जला रही है। तो आइए इसी पाठ को हम फिर से पढ़ते हैं, आप लोग भी बोलने की कोशिश करिए मेरी तरह। द बड़े ई की मात्रा, व आ की मात्रा, ल बड़े ई की मात्रा, दिवाली, क आ की मात्रा का, द बड़ी छोटी ई की मात्रा न, दिन थ आ की मात्रा था, दिवाली का दिन था। स बड़ी ई की मात्रा, म आ की मात्रा, सीमा, क बड़ी ई की मात्रा की, बड़ बड़ी ई की मात्रा बड़ी, द बड़ी ई की मात्रा, द बड़ी ई की मात्रा दीदी, घर घर, आ बड़ी ई आई, था बड़ी ई की मात्रा थी, सीमा की बड़ी बहन बड़ी दीदी घर आई थी। दीदी पीली साड़ी पहनकर आई थी। द बड़ी ई की मात्रा, द बड़ी ई की मात्रा दीदी, प बड़ी ई की मात्रा, ल बड़ी ई की मात्रा पीली, स आ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा साड़ी, प ह न पहन कर कर, आ बड़ी ई आई, था बड़ी ई की मात्रा थी। दीदी पीली साड़ी पहनकर आई थी। द बड़ी ई की मात्रा, द बड़ी ई की मात्रा दीदी, द बड़ी ई की मात्रा, प क दीपक, ज ल आ की मात्रा जला, र ह बड़ी ई की मात्रा रही, थ बड़ी ई की मात्रा थी, दीदी दीपक जला रही थी। म आ की मात्रा, त आ की मात्रा माता, ज बड़ी ई की मात्रा जी, म छोटी ई की मात्रा ठ, आ की मात्रा बड़ी ई मिठाई, और न म क बड़ी ई की मात्रा न नमकीन, ल आ बड़ी ई की मात्रा बिंदी लाई, माताजी मिठाई और नमकीन लाई। स बड़ी ई की मात्रा, म आ की मात्रा सीमा,
ख बड़ी ई की मात्रा र आ की मात्रा खीरा प प बड़ी ई की मात्रा त आ की मात्रा पपीता ल बड़ी ई की मात्रा च बड़ी ई की मात्रा लीची व क कड़ बड़ी ई की मात्रा ककड़ी ल आ बड़ी ई लाई सीमा खीरा पपीता लीची व ककड़ी लाई स बड़ी ई की मात्रा म आ की मात्रा सीमा प ट आ की मात्रा ख आ की मात्रा पटाखा द आ की मात्रा गदा र ह बड़ी ई की मात्रा रही थ बड़ी ई की मात्रा थी सीमा पटाखा दाग रही थी। तो इस बार को आप लोग क्या करें, मैंने जिस प्रकार से बोला उसी प्रकार से आप लोग भी बनान कर करके यानी स्पेलिंग कर करके बोलने का प्रयास कीजिए, तभी सीख पाएंगे। तो अभी हम सीखते हैं क्या वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है? वचन परिवर्तन यानी दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या? एकवचन और बहुवचन। एकवचन में क्या होता है, एक होते हैं, और बहुवचन में ढेर सारे। जैसे एक गाय, तो बहुत हो तो क्या होगा, दो गाय या बहुत गाय। आइए ऐसे ही कुछ शब्द को सीखते हैं। पहला क्या है, ग ध आ की मात्रा गधा, तो बहुत होने से क्या होगा, ग ध ए की मात्रा गधे। उसके बाद आते हैं प अंग ख आ की मात्रा पंखा, प अंग ख ए की मात्रा पंखे, पंखा पंखे। स अंग त र आ की मात्रा संतरा, स अंग त र ए की मात्रा संतरे, संतरा संतरे। उसके बाद ग म ल आ की मात्रा गमला, ग म ल ए की मात्रा गमले, गमला गमले। उसके बाद क छोटा उ की मात्रा त आधा त आ की मात्रा क्या हुआ, कुत्ता। क छोटा उ आधा त त ए की मात्रा कुत्ते, कुत्ता कुत्ते हुआ। नंबर छह में म ट क आ की मात्रा मटका, म ट क ए की मात्रा मटके, मटका मटके। उसका नंबर सात प त अंग क्या हुआ, पतंग, प त अंग ए की मात्रा फिर अनुस्वार क्या हुआ, पतंगे। उसके बाद है र आ की मात्रा त रात, र आ की मात्रा त ए अनुस्वार क्या हुआ, राते। उसके बाद है म ए ज, नीचे एक बिंदी दिया गया है उसे कहता है मेज, मेज उसे कहा जाता है, जो बिंदी है उसे कहा जाता है क्या, नुक्ता। फिर दूसरा है म ए की मात्रा ज ए की मात्रा बिंदी क्या हुआ, मेजे। नंबर दस है ब आ त बात, ब आ त ए की मात्रा बिंदी बातें। तो ये सब का अर्थ मैं एक बार बता देता हूँ। गधा एक जानवर है, क्या है, जानवर है जो सामान लादने का काम करता है। दूसरा है पंखा, पंखा यानी क्या, जो हवा देता है हमें। संतरा क्या है, संतरा एक फल है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑरेंज। गमला क्या है, गमला में हम क्या करते हैं, फूल उगाते हैं। कुत्ता तो सभी जानते ही, कुत्ता क्या है, कुत्ता एक जानवर है जो हमारे घरों की रखवाली करता है। फिर मटका, मटका में क्या करते हैं, गाँव में या बस्तियों में क्या करते हैं, लोग पानी रखते हैं। उसका पतंग, पतंग जो क्या है, हम हवा में उड़ाते हैं। रात तो सभी जानते हैं, रात को क्या होता है, अंधेरा होता है। मेज है, मेज क्या है, मेज है जिस पर गुरुजी जो शिक्षक होते हैं वह बैठ चेयर पर बैठकर किताबों को वहाँ रखते हैं, जिस पर रखते हैं उसे कहा जाता है मेज। उसका बात, बात क्या है, बात को सभी जानते हैं, बात का अर्थ है हम जो बात करते हैं उसे कहा जाता है बात। तो इन सब को आप लोग क्या बड़ी ई की मात्रा पाठ को पढ़ें और साथ ही इन सब को भी पढ़ें, पढ़कर आप लोग सीखने की प्रयास करें। और मैं कल आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा, उन्हीं को सिर्फ लिख कर भेजना है, आज दिया गया पाठ को नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोग पढ़ना है और सीखने का प्रयास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।